हेलो गाइस, वेलकम टू डेलो पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना था जो वाइल्ड लाइफ थी और जो फॉरेस्ट थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डिफॉरेस्टेशन की, वनों के उन्मूलन की बात की थी, वन विनाश की बात की थी। और आज की वीडियो हम जानेंगे कि वन विनाश के फिर कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकल के आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इट मीन्स वन विनाश के परिणाम क्या होंगे। अगर वन विनाश ऐसे होता रहा, वन विनाश वनों का उन्मूलन ऐसे ही होता रहा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकलेंगे, उसके परिणाम नतीजा क्या निकलेगा, उसको देखकर कुछ पॉइंट के थ्रू हम जानेंगे, कवर करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चैप्टर को। नहीं समझ पा रहे तो बुक साथ में लेकर वीडियो को साथ साथ लेकर चले, पॉज करते हुए पढ़ें। देखो क्या कहता, देरी किए बगैर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ड्यू टू अनचेक्ड एंड इलीगल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज मैनी हजार्डस रिपरक्यूशंस आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, लाइक इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एनवायरनमेंट, ड्राउट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस एक्सेट्रा, फ्यू आर मेंशन एज फॉलोज। देखो आपको ये सीधी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन समझा रहा है। इट मीन्स आपको वन विनाश, पेड़ों के कटने से परिणाम क्या निकलेंगे, वनों के विनाश होने से क्या रिजल्ट बाहर निकलने वाले, वो समझाने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से चेता रहा है, अवेयर कर रहा है राइटर। तो क्या कहता है परिणाम के रूप में, देखें। एक तो ड्यू टू अनचेक्ड एंड इलीगल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, एक तो अनियंत्रित और जो इलीगल अवैध रूप से वनों की कटाई हो रही है, और इसके साथ साथ में वनों की कटाई से जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंक्रीज हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, अमल वर्षा, इकोलॉजिकल जो जो बैलेंस वो गड़बड़ा गया है, कहीं ना कहीं हम बात करें, ठीक है, इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस हो गया है, हम हिंदी में बोले तो पारिस्थितिक असंतुलन, ये कई क्या हैं, ये दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। और उनका कुछ का जो विवरण नीचे दिया गया पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया, जिसमें नंबर 1 बताता है कि वनों के कटने से क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। नंबर 1, डिक्लाइन इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन, कहता है कि जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा, जैव विविधता जो खत्म हो जाएगी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। नंबर 2, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइबल एंड वाइल्ड एनिमल हैबिटेशंस, वन वासियों एवं वन्य जीवों के आवास का समाप्त होना। जाहिर सी बात है, वन ऐसे कटते रहे तो वनों में बहुत सी जो ट्राइबल रहते हैं, आदिवासी जो लोग रहते हैं, या जो जंगली जानवर या जो जीव जंतु रहते हैं, उनको क्या हो जाएगा, उनका आवास रहने का घर खत्म हो जाएगा, तो स्पीसीज के लिए बड़ी भारी दिक्कत आएगी। नंबर थर्ड जो कहते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिलेटेड कॉटेज इंडस्ट्री, वनों पर आधारित, किस पर आधारित, वनों पर आधारित जो भी ग्रामीण कुटीर उद्योग है वो समाप्त हो जाएंगे। जो वन ही नहीं रहेंगे तो उनसे चलने वाली जो मान लीजिए लकड़ी है, जो टिम्बर है, विलायती जो लकड़ी है, गोंद है, पत्ते हैं, उनकी छाल है, उनसे जो छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्री चलते हैं, छोटे जो उद्योग चलते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे जो वन ही नहीं रहेंगे। तो नंबर फोर कहते हैं ड्रॉट फ्लड्स इरोजन एंड डेजर्ट एक्सपेंशन, सूखा, वन नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, अकाल गिरेगा, फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, मृदा का अपरदन होगा, रेगिस्तान का विस्तार होगा, धीरे धीरे जो रेगिस्तान को एक्सपेंशन होने से रोकते हैं जो वन होते हैं जो, ओके। आगे देखो क्या कहता है, और आगे कहता है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु में क्या आ जाएंगे, परिवर्तन होना, और इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव की वृद्धि हो जाएगी, एंड 7th कहता है इंक्रीज इन द लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स इन द माउंटेन्स, पर्वतीय क्षेत्रों में जो लैंडस्लाइड है, भूस्खलन की घटनाओं में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे कहता है कि ड्यू टू सीवर इकोलॉजिकल इम्बेलेंस मैनी रेयर स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड नाउ। देखो क्या कहता है कि विश्व में जो भयंकर जो पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण, इम्बैलेंस के कारण कई दुर्लभ जीव तेजी से क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, जो प्रजातियां जीवों की, जैसे आपने कभी डायनासोर का नाम सुनते हैं आप, तो वो ख़त्म हो चुकी, जैसे वल्चर हुए वो ख़त्म हो गए थे। इट इज़ वर्थ मैंसनिंग दैट टाइगर एंड गोडाउन आर फ्यू ऑफ मेजर एंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखो एक बात आती निकल कर कि क्या जो दुनिया में तेज़ी से जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको
उनकी जो निगरानी करने उनका ध्यान रखने के लिए एक संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है, IUCN फुल फॉर्म बोली जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करती है, रेड डाटा बुक बनाती है, लिस्ट तैयार करती है, इसमें जो भी जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म होने के कगार पर या ख़त्म हो गए। तो हम बात करें तो यही कह रहा है कि IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो लाल किताब है या लाल आंकड़ा किताब है, उसमें दर्ज तेज़ी से विलुप्त हो रहे ऐसे प्रमुख जीव कौन कौन से, जैसे बाघ। रेड डाटा का क्या मानना है कि बाघ धीरे धीरे विलुप्त हो रहा, ख़त्म हो जाएगा, गोडाउन आदि, ये है कुछ उल्लेखनीय है। देखो आपको डू यू नो में पहले ये भी क्लियर कर दूँ, क्या क्या आप जानते हैं, द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज रेड डाटा बुक। विश्व में जो रेड डाटा बुक होती है, बता भैया समझे, विश्व में जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं, जो खतरे की कगार पर हैं, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को लाल आंकड़ा किताब, जिसको रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, ठीक है, जो ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म होने वाली, उनको इस बुक में लिखा जाता है। तो उसने ये कहा है कि भाई बाघ भी ख़त्म हो जाएंगे इसी तरह, और गोडाउन जो पक्षी वो भी ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ मेजर्स देखते हैं, मेजर्स टू चेक डिफॉरेस्टेशन। इसमें हम वन विनाश को रोकने की मेजर्स जो उपाय हैं उनको जानेंगे, किस तरह से हम रोक सकते हैं। देखो इसको कवर करते हैं देरी किए बगैर। अभी हमने उसको वन विनाश को पढ़ा, डिफॉरेस्टेशन को पढ़ा, फिर उसके हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़े, वन विनाश के जो परिणाम निकल कर आएंगे, और अब कहता है कि उसको रोकने के उपाय क्या हो सकते, किस तरह से वनों को रोका जा सकता है। तो जाहिर सी बात आप भी समझदार हैं, कैसे रोका जा सकता है वो देखें फटाफट। कहता है नंबर वन पॉइंट पे सीधे, टू चेक द इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। वनों की जो इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग है, अंधाधुंध कटाई जिसको हम बोले, उस पर रोक लगानी होगी कहीं ना कहीं, तब पेड़ बचेंगे, वन बचेंगे। नंबर दो, टू चेक द शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस, और स्थानांतरित कृषि पर भी रोक लगानी पड़ेगी। मैंने बताया था कि ट्राइबल एरियाज के अंदर लोग एक दो साल पर वहाँ रहते हैं, खेती करते हैं, जंगलों को जला करके उस ज़मीन को फर्टाइल बनाते हैं राख से, फिर उसको छोड़ देते हैं, जैसे वो फर्टाइल ख़त्म हो जाती है फर्टाइलपन का, तो नेक्स्ट जगह जाकर के, तो इसको भी रोकना होगा। नंबर थ्री, टू चेक कंट्रोल्ड एनिमल ग्रेजिंग। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें करना होगा कि अनियंत्रित जो पशुचारण है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। नंबर फोर्थ कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स ऑन बैरल लैंड, और कहता है आवासों का निर्माण हमें बंजर भूमि पर करना पड़ेगा। हम जो घर बनाने के लिए इतनी ज़मीन को रोक देते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो कोई बंजर जो ज़मीन है उस पर हमें घर बनाने होंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, टू डेवलप अल्टरनेटिव फ्यूल रिसोर्सेज एंड यूज देम द मोस्ट। आगे कहता है ईंधन के विकल्पों की खोज एवं अधिकाधिक उपयोग। ओके आगे क्या कहता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स एंड ऑन नॉन फॉरेस्ट। और आगे कहता है कि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन वन रहित भूमि पर किया जाए, जो भी विकास योजना बनाई जाए तो उस पर कम से कम ऐसा हो कि उसको जो फैक्ट्री लगानी है, कोई और काम करना है, तो कम से कम पेड़ों को तो ना काटा जाए, ऐसा कम से कम योजना तो बनानी ही चाहिए। आगे कहते हैं सेवन, तो ओनली लाइसेंस एंड साइंटिफिक टेक्निक यूजिंग पीपल शुड बी अलाउड टू कट द फॉरेस्ट व्हेन रिक्वायर्ड। और कहता है कि वनों की कटाई वैज्ञानिक रूप से लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा ही करवाई जाए, जिनको पता हो कि वनों की कितनी महत्ता है। आगे देखिए क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पीपल इन्वॉल्व इन इलीगल कटिंग फॉर द फॉरेस्ट। देखो आगे कहता है अवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से वनों की कटाई या गैर कानूनी तरीके से वनों की कटाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ओके समझ पा रहे हैं आप, एवरी पर्सन शुड प्लांट वन ट्री ईच ईयर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन शुड बी मेड ए पब्लिक मूवमेंट। देखो क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाए, एवरी पर्सन शुड प्लांट ऑन वन ट्री ईच ईयर। एक पेड़ तो लगाने लगाने, आपको भी कसम खानी है, आपको भी ओथ लेनी है, शपथ लेनी है कि हमें अपने जीवन के अंदर हर साल एक पेड़ लगाते चलना है, और उसके साथ में वन संरक्षण के प्रति जनक्रांति बनाया जाए उसको। नंबर नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू कंजर्व एंड डेवलप फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट लैंड शुड बी डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। क्या कि वन संपदा के संरक्षण एवं विकास के लिए वन्य भूमि को वन्य जीव अभ्यारण्य और जो नेशनल पार्क से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना चाहिए था, कि वहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो और जंगली जो जानवर आसानी से रह सके, विचरण कर सके। और नेक्स्ट है टू डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेस्ट फॉर पब्लिक अवेयरनेस। और यहाँ कहता है वनों के महत्व की शिक्षा देकर जनरा जो जागरूकता है उसको बढ़ाना आदि, कुछ ये ऐसे काम है जिनसे पेड़ों को कटने से रोका जा सकता है।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट जो चैप टॉपिक रहेगा, वीडियो रहेगा, उसमें हम होमवर्क को कंप्लीट करेंगे, ग्लॉसरी देखेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली दिस चैप्टर। फिर भी आपकी कोई क्यूरीज है, कोई सजेशन तो पूछिएगा ज़रूर, बेहिचक होते हुए आप कमेंट बॉक्स में जा करके लिखिएगा। पूछना आपका हक बनता है और बताना हमारा फर्ज बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं कल फिर से। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।